हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद हायर ऑर्डर के एक दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है उसका मतलब समझ लेते हैं। तो वो समझने के लिए एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि हो गया हमारा 9d2y/dx² प्लस कुछ 6dy/dx प्लस कुछ 5y = e^7x। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन कौन सा है, हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम d देख सकते हैं, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो गया। अब बारी आई नॉन होमोजीनियस की। तो इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे जीरो होता है तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते थे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पे राइट साइड में जीरो तो है नहीं, नॉन जीरो वैल्यू है, e^7x का कुछ वैल्यू आएगा, यानी नॉन जीरो नहीं है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे अगर जीरो नहीं है तो उसका मतलब क्या निकलेगा, वो मतलब निकलेगा ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नॉन होमोजीनियस का मतलब समझ में आ गया क्या, कि डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे कुछ वैल्यू होगी, अगर जीरो है तो होमोजीनियस है, कुछ वैल्यू है तो वो नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, अब बात आई लीनियर की। लीनियर यानी क्या, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसके जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स का पावर 1 होना चाहिए या डिग्री 1 होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसकी डिग्री किसके बराबर, 1 के बराबर। ये सेकंड एलिमेंट का पावर 1 के बराबर, इसका पावर 1 के बराबर, यानी पावर 1, या इसका मतलब क्या निकलेगा, ये कैसा है, लीनियर है। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे कुछ वैल्यू होगी तो वो नॉन होमोजीनियस बन जाएगा, अगर हर एक एलिमेंट के पास पावर 1 होगा या डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब बात आएगी कि सर ऐसे नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, कैसे सॉल्यूशन फाइंड करें। तो हमने पढ़ा था सॉल्यूशन y = cf + pi। ठीक है, अच्छा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में हमने क्या बोला था, पीआई का वैल्यू हमेशा जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि हमने बोला था pi = 1/f(d)d का फंक्शन इनटू आरएचएस लिखते थे, और होमोजीनियस के केस में क्या होता था, होमोजीनियस के केस में आरएचएस जीरो आ जाता था तो पीआई का वैल्यू जीरो हो जाता था। लेकिन नॉन होमोजीनियस के केस में अब आरएचएस का वैल्यू जीरो नहीं है, यानी नॉन होमोजीनियस के केस में पीआई भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और सीएफ तो कैलकुलेट करना ही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीएफ कैलकुलेट करेंगे, फिर पीआई कैलकुलेट करेंगे, बोल देंगे सॉल्यूशन y = cf + pi। तो अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है सॉल्व d²y/dx² - 2dy/dx + y = e^-x। तो सबसे पहले तो चेक कर ले ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो ये कंफर्म है नॉन होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे जीरो नहीं है, यानी कुछ वैल्यू है, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया नॉन होमोजीनियस, और हर एक एलिमेंट का पावर भी 1 है तो हो गया लीनियर। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो हमने देखा सॉल्यूशन y = cf + pi होता है, तो cf ढूंढेंगे, बाद में pi ढूंढेंगे, फिर y बराबर ये बोल देंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले cf ढूंढते हैं। तो cf कैसे ढूंढते थे, तो cf ढूंढने के लिए हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ता था, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता था। कैसे कन्वर्ट करते थे, तो हम अज्यूम करते थे d/dx = d लेके। ठीक है, बाद में क्या करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गया, फिर उसके रूट्स फाइंड करते थे और रूट के हिसाब से हम cf की वैल्यू लिखते थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं cf ढूंढना सबसे पहले। तो कैसे ढूंढेंगे, यहां से हम लेट कर देंगे क्या, d/dx = d। ठीक है, अब ये d/dx = d यहां पे रखेंगे तो ये d/dx है लेकिन स्क्वायर में है, तो यहां पे हो जाएगा d का स्क्वायर, साथ में क्या है, y है। ठीक है, माइनस साइन 2d/dx = d, बचा क्या, y प्लस y एज इट इज which is = e^-x। आगे बढ़ते हैं, y ये कॉमन निकल जाएगा, सो बचेगा d² - 2d + 1 बचेगा यहां पे, और y कॉमन निकल जाएगा e^-x।
ये क्या हो गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन बराबर जीरो। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं, ये जो वन है इसे कैसे लिख सकते हैं हम, वन इंटू वन लिख सकते हैं, और इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, माइनस टू के बराबर, तो माइनस वन कर देंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हम लिख लेंगे डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन बराबर जीरो। अब इसमें से डी कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा डी माइनस वन, माइनस यहां पे वन कॉमन निकाल दे तो बचेगा डी माइनस वन इक्वल टू जीरो, बाहर आके प्लस। अच्छा, तो यहां पे मिलेगा हमें डी माइनस वन ये एक, और ये डी माइनस वन दूसरा, ये डी माइनस वन दूसरा, विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां पे मिलेगा डी माइनस वन बराबर जीरो और डी माइनस वन बराबर जीरो, सो डी इज इक्वल टू वन मिल जाएगा और यहाँ पे डी इज इक्वल टू वन मिल जाएगा। तो हमें एम का वैल्यू मिलेगा वन, एम वन का, या फिर बोल लो एम का, एम टू का मिल जाएगा वन, यानी यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, रूट सेम मिल रहे हैं। अगर रूट सेम मिलते हैं तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, सी एफ का, सी एफ इज इक्वल टू सेम रूट के लिए है C1 वन प्लस सी टू एक्स ई रेस टू एम एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूट सेम मिल रहे हैं तो बोल देंगे M1 बराबर M2 बराबर M बराबर M की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर। ठीक है, अच्छा तो सी एफ का आंसर मिल जाएगा हमें C1 वन प्लस सी टू एक्स ई का पावर एम एक्स, एम कितना है 1, तो X लिख देंगे यहाँ पे, तो सी एफ तो हमारा मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब क्या ढूंढेंगे, अब हम ढूंढेंगे पीआई की वैल्यू। तो पीआई का इक्वेशन क्या था, वो था वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू आर एच एस था। ठीक है, अच्छा सो पीआई इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ ऑफ डी, डी का फंक्शन यानी हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये रहा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये लिख देंगे, ये है डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन, ये एफ ऑफ डी, डी का फंक्शन लिख लिया, इंटू आर एच एस, न्यूमेरिकल की आर एच एस कौन सी है, ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, बाद में क्या करते थे अगर याद हो तो, एक्स का जो कोएफिशिएंट है, एक्स के साथ जो चीज है उसकी वैल्यू डी में रखते थे, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस वन है, तो डी बराबर माइनस वन रखेंगे, कैसे, वन डिवाइडेड बाई डी, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस वन तो डी की जगह पे रखो, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू डी की जगह माइनस वन, एक्स का कोएफिशिएंट प्लस वन ई रेस टू माइनस एक्स। सो पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन, ये पॉजिटिव वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर यानी पॉजिटिव वन, और ये प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस टू प्लस वन और ई रेस टू माइनस एक्स। तो ये पी आई इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टू वन वन यानी कितना, फोर ई रेस टू माइनस एक्स। तो पी आई हमें मिल चुका है, क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स बाय फोर। बस अब इसका सॉल्यूशन फाइंड कर देते हैं ये इक्वेशन की हेल्प से, वाई इज इक्वल टू क्या है, सी एफ प्लस पी आई। सो वाई इज इक्वल टू सी एफ का वैल्यू ये रहा, तो लिख लेते हैं सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेस टू एक्स हो गया, और प्लस क्या करना है, पी आई करना है, पी आई ये रहा ई रेस टू माइनस एक्स बाय फोर। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, या बोल लो आंसर, जल्दी से शॉर्ट ले लो। लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल है सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू फाइव एक्स। सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या ये नॉन होमोजीनियस है या नहीं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे जीरो नहीं है, यानी होमोजीनियस तो है नहीं, तो ये हो गया नॉन होमोजीनियस। लीनियर है या नहीं, तो हर एक एलिमेंट का पावर या डिग्री वन है, तो ये हो गया लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो वाई का वैल्यू मिलेगा हमें सी एफ प्लस पी आई से वाई यानी सॉल्यूशन, सी एफ और पी आई फाइंड कर लेते हैं, दोनों को एड कर लेंगे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या ढूंढे सी एफ, तो सी एफ कैसे ढूंढते थे, सी एफ ढूंढने के लिए हमने क्या बोला था, किसमें कन्वर्ट करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि डी वाई डी एक्स बराबर डी अज्यूम करके, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गया, उसमें से क्या फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे, और रूट्स के हिसाब से हम बोल देंगे सी एफ की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं, तो यहां पे लेट कर देते हैं डी बाई डी एक्स बराबर डी, तो यहां पे डी बाई डी एक्स का स्क्वायर है, तो यहां पे लिख लेंगे डी का स्क्वायर, साथ में क्या है वाई है, माइनस साइन है थ्री, डी बाई डी एक्स बराबर डी, बचा क्या वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू फाइव एक्स। ठीक है, y कॉमन निकाल देंगे, सो डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू और y कॉमन ई रेस टू फाइव एक्स। तो ये मिल चुका है हमें क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब इसमें से रूट फाइंड करेंगे, तो इसके फैक्टर लिख लेते हैं पहले, तो टू को कैसे हम लिख सकते हैं, टू इंटू वन। ठीक है, और आंसर क्या लाना है, माइनस थ्री, तो माइनस टू माइनस वन कर दो तो माइनस थ्री आंसर आ जाएगा और ये प्लस टू आ जाएगा। ठीक है, सो लिखते हैं डी स्क्वायर
माइनस टू डी माइनस डी प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा डी, तो लिखेंगे डी माइनस टू माइनस, इसमें से सपोज वन कॉमन निकाल देते हैं तो निकलेगा डी माइनस टू बराबर जीरो। तो एक फैक्टर हो गया डी माइनस टू, दूसरा फैक्टर हो गया डी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पे मिलेगा डी माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो और डी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो मिलेगा डी बराबर टू और डी बराबर वन, यानी एम वन का वैल्यू आया टू, एम टू का वैल्यू आया वन। अच्छा, अब ये रूट्स कैसे हैं, डिफरेंट है, अलग अलग है, तो सी एफ का कौन सा इक्वेशन लेंगे हम, ये वाला सी वन ई रेस टू एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेस टू एम टू एक्स। तो सी एफ का वैल्यू हमें मिलेगा सी वन ई रेस टू एम वन क्या है टू इंटू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू एम टू क्या है वन इंटू एक्स ई रेस टू एक्स। तो सी एफ हमें मिल चुका है, अब हम फाइंड करेंगे पी आई की वैल्यू। ठीक है, तो पी आई कैसे फाइंड करते थे, वन अपॉन एफ ऑफ डी, डी का फंक्शन इंटू आर एच एस लिखते थे, ठीक है, विच इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी, क्या है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये रहा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन डी के फॉर्म में, तो लिख लेते हैं डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू आर एच एस क्या है ये इक्वेशन की, तो ई रेस टू फाइव एक्स ये लिख दी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, जो एक्स का कोएफिशिएंट हो उसकी वैल्यू डी में रखते थे, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट फाइव है तो फाइव हम डी की जगह पे रखेंगे, तो वन डिवाइडेड बाई डी की जगह पे क्या एक्स का कोएफिशिएंट फाइव, फाइव का स्क्वायर माइनस थ्री डी की जगह पे फाइव प्लस टू इंटू ई रेस टू फाइव एक्स। ठीक है, आगे बढ़ो, वन डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री फाइव फिफ्टीन प्लस टू ई रेस टू फाइव एक्स। ठीक है, वन डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव टेन टेन ट्वेल्व हो जाएगा। ठीक है, ई रेस टू फाइव एक्स, तो मिल गई पी आई की वैल्यू, पी आई कितने बराबर होगा ट्वेल्व डिवाइडेड बाय सॉरी ई रेस टू फाइव एक्स डिवाइडेड बाय ट्वेल्व के बराबर, सो ई रेस टू फाइव एक्स डिवाइडेड बाय ट्वेल्व के बराबर। ठीक है, तो ये मिल गया पी आई, सोल्यूशन फाइंड कर लो, वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू सी एफ ये रहा सी वन ई रेस टू टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू एक्स, सी एफ हो गया प्लस पी आई एड कर देंगे, पी आई क्या है ई रेस टू फाइव एक्स डिवाइडेड बाय 12। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, तो इस वीडियो में बस इतना ही, सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।